मेरे पीछे को पकड़ दो, नहीं डोंट टच मी। हां टच नहीं। ये तो ब्लॉग का इंट्रो बनेगा। ओके गाइस, सो वेडिंग वेन्यू पे आ चुके हम लोग और बहुत ही ऑसम अरेंजमेंट है और अभी बारात लगी है तो दूल्हा चढ़ के गया है घोड़ी, दुल्हन रेडी होके आ गई है और आगे के शॉट्स लगाते हैं। प्राची प्राची कुछ ब्लॉग में बोलना। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग कंटेंट नहीं, ये बाद में आएगा तुम्हारे फोटो वोटो सब। बीटीएस है ना ये, मेन कंटेंट भी हो सकता है, व्लॉग का थंबनेल भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव लुक टू द ब्राइड सबसे पहले आज तक पे कहीं नहीं देखा आपने। हाँ अरे ये एक हफ्ते बाद आएगा, इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगा। गाइस ये देखो वर्ल्ड का शॉर्ट्स नीट वन लास्ट टाइम से ताकि शक नहीं हो किसी को। ये देखो हल्का सा पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, हल्का हल्का एक बस ठीक है। मेरे पीछे को पकड़ दो, नहीं डोंट टच मी। हां टच नहीं। ये तो व्लॉग का इंट्रो बनेगा। इमोशनली नॉन एग्जिस्टेंट राइट नाउ एंड बायोलॉजिकली आई एम वेरी हंग्री। यू वांट टू ईट समथिंग? हाय हंग्री। मेंटली एंड मेंटली यू आर ऑलरेडी पर्टर्ब बाय द चेंज ऑफ द वेदर। कौन सा गेम है ये गाइस? आओ मिलो सर। अरे दो मिनट मुझे निकलने, मुझे निकलने दो एक बार बस। जाने दो जाने दो, नहीं तो उसको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आओ मिलो शीलो शालो। व्हाट? आओ मिलो। व्हाट? कच्चा धागा रेस लगा लो। आओ मिलो। क्या है ये, कौन है ये लोग? व्हाट? थोड़े एक पत्ता कर। व्हाट? हिरन का बच्चा, हिरन का पानी। क्या उसकी नानी ने, नानी गई लंदन वहां से लाई कंगन, कंगन ले आ। शूट नानी गई, नानी को मनाएंगे रसमलाई खाएंगे, रसमलाई खाएंगे। कौन? Who are these people? मच्छी 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 आया आया है। आया। क्या है लेकिन ये इतने इतने दूर हजारों किलोमीटर तक इसका स्प्रेड है, कौन सा गेम है ये? स्पाइडर वाले डाल पा। गाइस काफी सारे लोगों को इसका इंतजार है। शतब अली साहब फिर हटाकर फिर अपने स्थान पे आ जाए। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, एक पद्धति है। इस पद्धति के चार आचरण हैं। मंडपः मधुपरकश्चा लाजा होमम परिक्रमा यावत सप्तपदी नैवा तावत कन्याकुमारिका। आपके पैर धुलाए स्टेज पे, मंडप में आपका पूजन हुआ, मधुपर खिलाया गया, आपका सत्कार किया गया और आपने फेरे भी कर दिए, लेकिन यावत सप्तपदी नैवा तावत कन्याकुमारिका, जब तक कन्या के आपने सात वचन नहीं सुने
दत्तक विवाह अपूर्ण माना जाता है। और लाइटू बोलेंगे आप और आपको बोलना पड़ेगा जी अस्त। डाउट पूछ सकते हो भी। चलिए पहला वचन है, पहला वचन होता है जी, आज से आप कोई भी धार्मिक कार्य करें, चाहे तीर्थ व्रत उद्यापन हो, यज्ञ हो, दान हो, कोई भी अच्छा कार्य करें, पत्नी का साथ में होना परम अनिवार्य है, नहीं तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको स्वीकार है तो आप अस्तु बोलिए। अस्तु, अस्तु मतलब मुझे स्वीकार है। दूसरा वचन वो कह रहे हैं, आज से वो आपके घर में आपकी सारी चीजों को फॉलो करे, ठीक है, लेकिन जो आप अपने माता पिता का मान सम्मान करते हैं, अपने घर के जो कल्चर हैं, जो रीति रिवाज हैं, जिस तरीके से आप उनका सम्मान करते हैं, इनकी घर की जो परंपराएं हैं, माता पिता हैं, परिचित हैं, सबको उसी प्रकार का आपको सम्मान देना पड़ेगा। बोले अस्तु स्वीकरो मे। हाँ, अब तीसरा वचन सुन लो साहब, किन अवस्थाएं होती हैं, जरूरी नहीं है कि हम शरीर से जो है युवा दिख रहे हैं तो हम युवा हों, किसी के अंदर जो है बचपना जीवन भर रहता है, तो कोई जो है बहुत कम आयु में जो है बहुत ही ज्यादा परिपक्व हो जाता है, तो तीन अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की, बाल्यावस्था, बचपना, युवा मतलब जवानी, और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। वो शरीर से नहीं बुद्धि की बात है, तो तीनों अवस्थाओं में हमेशा समान रहना, तीनों अवस्थाओं में हमेशा साथ देना। बोलो अस्तु स्वीकरो मे। चौथा वचन उन्होंने कहा है, आज से पहले जो भी आप करते थे, पैसा कमाते थे, जो भी खर्च करते थे, वो आपकी अपनी इच्छाएं थी, लेकिन आज से जो आप पैसा कमाएंगे अपने परिवार का करेंगे, ठीक है जी। यहाँ कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज के बाद परिवार में कोई आए उसको किस प्रकार से अटेंड करना है, सम्मान देना है, ये सारी क्रियाएं। इसके अलावा आप दोनों के बीच में चाहे मतभेद ही क्यों ना हो, क्योंकि घर गृहस्थी में रहना है तो क्लेश तो संभव होता ही होता है, बिना घर गृहस्थी नहीं है जीवन, ये जीवन का तो इसलिए हमेशा आप दोनों का जो लड़ाई है, आप दोनों का जो द्वेष है, वो किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। बोले अस्तु स्वीकरो मे। ये सातवां वचन जो है आज के जीवन में बहुत ज्यादा अनिवार्य है, यानी कि जब आप व्यस्त जीवन में आ गए हैं, आप इधर उधर देखना बंद करें। बोले अस्तु स्वीकरो मे। सबसे ज्यादा आज के बाद जितनी लड़कियों को तुम जानते हो वो सब तुम्हारी बहनें हैं, और जो तुमसे बड़ी हो तुम्हारी भाभी है, यही था ना? ठीक है, चलिए दिया। अब आप जी, ये तो आप पे निर्भर करता है। अब आपने सात वचन इनके सुन लिए सर, अब आपने क्या करा, इनको भी अपने वचन कहे, लेकिन आपने एक ही वचन में सब कुछ मांगा है। आप हाथ लगाएंगे, छुएंगे नीचे, हाँ जी। आप बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर में आएंगे तो अपना जो भी हमारे घर की परंपराएं हैं, जो हमारे घर के रीति रिवाज हैं, जो हमारे घर का जो चलन है, उसी के अनुरूप और जो हमारे घर के लिए हित हो, हमारे फेवर में हो, वो सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। हमेशा मीठा बोलना, किसी भी प्रकार का क्रोध हो, आलस्य हो, आज्ञा अनुकावर्तनी, इसका हमेशा ध्यान रखते हुए, सबका सम्मान रखते हुए आपने पालन करना है। अगर आपको धर्म पत्नी बनना है तो मेरे अनुसार सारे कार्य करने पड़ेंगे। अब ये तो इन्होंने यहाँ उल्टा काम कर दिया है ना? लेकिन इसीलिए हमारे शास्त्र, पत्नी का तो अर्थ है ही सुख दुख में समान रहना, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने उसमें धर्म जोड़ दिया, यानी कि अगर कोई आप ऐसी बात करें जो समाज के हित में ना हो, परिवार के हित में ना हो, मान मर्यादा के विपरीत हो, तो उसमें वो साथ में नहीं है, बाकी हर कार्य में आपके साथ हैं। तो वक्त अस्तु स्वीकरो मे। ठीक है जी, बस अब आप बैठिए आराम से। सिंदूरम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम रक्ता
सौभाग्य कीर्तिवर्धनम।